प्रदेश के सोनभद्र के ओबरा में जमीन अधिग्रहण मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि ओबरा में बन रहे 1320 मेगावाट की सी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में प्रशासन अब सख्त हो गया है। इसी कड़ी में सुभाष चौराहे से ओबरा थाने तक कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन पहुंचा और दुकानों व मकानों को ध्वस्त किया। यहां आपको यह भी बता दें कि जहां पर कई दशकों से काबिज सैकड़ों मकानों और दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, वहीं इस मामले को लेकर पूर्व में कई बार व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की गई थी। व्यापारियों का आरोप है कि भूख हड़ताल पर जब हम लोग बैठे थे तो हम लोगों को जूस पिलाकर उठाया गया और 15 फीट जमीन छोड़कर बाउंड्री की बात कही गई। आरोप लगाते हुए कहा गया कि परियोजना और जिला प्रशासन आज अपनी बातों से मुकर गया है और गांधी जयंती के ठीक एक दिन बाद 105 दुकानों को एक दिन का समय देकर उजाड़ने का काम कर रहा है। वहीं भारी फोर्स के बीच जेसीबी मशीन से मकानों व दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि शासन और प्रशासन ने दुकानदार और आम जनता के साथ धोखा किया है। जब जनता और व्यापारी धरना प्रदर्शन पर बैठे तो इनको आश्वासन पर आश्वासन दिया गया, लेकिन आज इस कोरोना काल में अचानक आकर इनके बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे गरीब आम जनता और व्यापारी बेघर हो गए हैं। वहीं इस दौरान मीडिया ने ओबरा एसडीएम से बात करनी चाहिए तो एसडीएम ने जिला अधिकारी के द्वारा बोलने से मना कर दिया और कैमरे के सामने आने से भी मना कर दिया। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, इनको क्या उजाड़ने पे बताना था? परियोजना का जो बाउंड्री का पहले से निश्चित है और लगातार जो है पिछले कई सालों से खत्म हटाने के लिए आग्रह किया जा रहा था, क्योंकि देखे अनाउंस करते हैं तो अब आज स्थिति ऐसी है कि वो और ज़्यादा टाला नहीं जा सकता। इसलिए अच्छा, कितना अभी और कितना फिर आप नहीं, अभी बाउंड्री ही थी, बाउंड्री रोड के इस तरफ बाउंड्री है, रोड की जस्ट पूरी बाउंड्री है, उसके लिए ऐसे कितने परिवार होंगे जिनका अल्टीमेटम दिया गया? 105 दुकानें हैं, लगभग 105 तो इन्हें जो है बसाने की व्यवस्था भी सरकार को ही करनी है। इसके पहले जब समझौता हुआ था, यही राज्य विद्युत परिषद के लोग ये लोग जो है समझौता किए थे कि सड़क से 15 जो है कि फिल्टर जो है हम इनको जो है कि रहने देंगे, लेकिन आज सारे जो है कि अपने वादे पर अलग हट गए और आज ज़बरदस्ती इनको उजाड़ जा रहा है। इसका हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें जब आप उजाड़ रहे हैं जो है मनमाने तरीके से, गलत तरीके से जो है आप इनको बसाने की व्यवस्था कीजिए। तो जैसे ये बता रहे हैं लोग कि इनको एक साल लगभग 1.5 साल से अल्टीमेटम मिल रहा था, तो क्या उस टाइम क्यों आप लोगों ने इनका दोहरा चरित्र है? हम लोग को अच्छी तरह याद है, जब यही व्यापारी यहाँ सभी व्यापारी जब यहाँ धरने बैठे थे, हम लोग आए थे और यहीं जो है यहीं के CGM ने उन्होंने यहीं पर बात किया था कि 15 फीट इनको जो है हम लोग छोड़ा जाएगा, तो इनको झूठा आश्वासन ये लोग खुद दिए जो है और झूठा आश्वासन दे के इनको गुमराह किए जो है। समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ है कार्य, तो उसका कुछ और लोग भी जाड़े गए थे, तो उनको भी बसने का कोई उपाय आपने किया? हमारी तो सीधे सीधे बात है कि अभी आपको याद होगा पिछली बार जब ये सी का प्लांट बनने शुरू हुआ जो है, तो जो टकैया पहाड़ी पर लोग उजाड़े गए थे जो है, आपको याद होगा कि जो सेक्टर 10 के बगल में उनको बसाया भी गया समाजवादी पार्टी की सरकार, और हम लोग ये मांग है कि अगर इन व्यापारियों को ज़बरदस्ती आप उजाड़ रहे हैं, इनको बसाने की व्यवस्था, इनको रोजी रोटी देने की व्यवस्था इस सरकार की है, अगर सरकार नहीं देती है तो हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग जनता के हित में, जनता के साथ इनकी आवाज़ को, इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया? कोई नहीं, सब काम में तेल डाल के सोए हुए हैं, क्योंकि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता से लेना देना होता तो आज जनता के बीच में आते, उनकी समस्याओं को जानते पहचानते और उनके बीच में रहने का काम करते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।